कोरोना वायरस के मोर्चे पर जापान चीन से अच्छी खबर। टोक्यो से 119 भारतीयों का रेस्क्यू, चीन से 76 नागरिकों को लेकर लौटा ग्लोब मास्टर। दिल्ली हिंसा की सुनवाई कर रहे जस्टिस एस मुरलीधर के ट्रांसफर पर बॉलीवुड से भी आने लगी प्रतिक्रिया। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने ट्वीट करके कहा, कम से कम वो जिंदा तो है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए ट्वीट पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया। दार्जिलिंग के टाइगर हिल में 10 साल बाद बर्फबारी, स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने मनाया जश्न। बनारस में मिले 3,500 साल पुराने गांव के सब मिट्टी के बर्तन और मूर्तियों की खोज। अहमदाबाद के सूरत में फर्जी करेंसी रैकेट का खुलासा, स्वामी नारायण मंदिर के पुजारी पर आरोप, लोगों को पूजा के प्रसाद बॉक्स में 2,000 के नकली नोट देता था। पुलिस ने पुजारी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया।